पोहरी में सरपंच संघ की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आधा सैकड़ा ग्राम पंचायतों के सरपंच प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जहां बैठक में एक कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से पोहरी जनपद पंचायत सरपंच संघ के अध्यक्ष केशव सिंह सर्वसम्मति से चुने गए। वहीं उपाध्यक्ष के रूप में भटनावर सरपंच संजय अवस्थी को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। कोषाध्यक्ष के लिए मोहर सिंह धाकड़, सचिव के लिए ज्योति तोमर को मनोनीत किया गया, जहाँ बैठक में सरपंच संघ द्वारा 11 बिंदुओं पर चर्चा कर रूपरेखा बनाई, साथ ही पंचायतों के अहम विकास कार्यों की रणनीति तय की। तो आप मिल गया है सरपंच संघ का, तो अब क्षेत्र के लिए आपकी क्या कुछ रणनीति रहेगी? क्षेत्र के लिए ये रणनीति है कि जैसे कि हम सारे सरपंचों का आज एक संगठन का जो एक बनाया है, अध्यक्ष बनाया, उपाध्यक्ष बनाया है, मुझे कोषाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, तो कोशिश करेंगे कि हम सारे लोग मिलकर के अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और अपनी जनता को, अपने क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा विकास के पूरा विकसित करेंगे। और मेरा मानना तो ये है, अगर हमारे संगठन में शक्ति होगी तो हम कहीं भी अपनी लड़ाई के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रहेंगे। तो अब क्षेत्र के लिए क्या रणनीति आपने तय की? नमस्कार, संजय अवस्थी, ग्राम पंचायत भटनावर से, मुझे आज इस कार्यकारिणी ने उपाध्यक्ष पद के लिए चुना है और हम यहाँ पर जो सरपंचों के लिए कुछ परेशानी आ रही हैं उसके लिए इकट्ठे हुए हैं, मनरेगा के और आगे भी भविष्य में जो फिंगर के लिए भी सरकार की तरफ से ये हमारे कानों में आती रहती है कि फिंगर अलाउ करने जा रहे हैं और वहाँ पर जाके फ़ोटो वगैरह ये खींचना ये थोड़ा संभव नहीं हो पाता, इसके कारण काम में रुकावटें आ रही हैं और धीमा चल रहा है। और भी कई अहम मुद्दे हैं जो हम अभी सामने रखेंगे वहाँ पर जनपद के सामने, और सब लोग एक साथ मिल के हर मुद्दे पर एकजुट होकर और अपनी अपनी पंचायतों को विकास कार्यों में एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, एक दूसरे की जानकारी भी साझा करेंगे और हम ऊपर जनपद में ऊपर सभी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन सब से अपने गांव के विकास के लिए मांग करेंगे और सब अपने गांव को मजबूत, सुदृढ़ और सांस्कृतिक सभी कार्यक्रमों में सब लोगों को एक साथ एकजुट करेंगे। गांव का विकास करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और सब लोग साथ हैं और हर कार्य के लिए सब एक हैं। भारत माता की। हुआ है क्या कुछ अहम बैठक हुई और आगामी क्या कुछ रणनीति है? अब आप सभी सरपंच हैं तो क्षेत्र के विकास और अपने ग्राम का विकास के लिए क्या योजना बनाई? आज पौरी जनपद के जितने भी सरपंच हैं, 60-65% सरपंच यहाँ पर एकत्रित हुए और सबसे पहले इसमें अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें मुझे अध्यक्ष माना गया है और उसमें 11 सूत्री मांगें रखी गई हैं हम लोगों ने, जैसे कि एक तो नरेगा में जो काम चल रहा है कि सभी का फ़ोटो खींचना, सभी के सारी चीज़ें करना, इस पर सारे विचार विमर्श हुए हैं और सरपंचों की छोटी छोटी समस्याओं को लेके हम आगे चल के अपने सीनियर अधिकारी, संबंधित अधिकारी से बात करेंगे, उसके बाद जो भी उसको उचित कार्रवाई करने की सब लोगों से निवेदन करेंगे।